हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल लर्न टर्म्स ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ओके, सो टर्म्स ऑफ एडिशन क्या है? अब देखिए, यहाँ पर जैसे हमें मान लीजिए कि ऐड करना है 32,746 में 23,118 को. जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो 32,746 जो है वो हो गया सबट्रहेंड. ओके, इसको हम कहेंगे सबट्रहेंड. और इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, 23,118 को इसमें ऐड कर रहे हैं. सो 23,118 हो गया यहाँ पर डिफरेंस. ओके, ये यहाँ पर कहलाएगा डिफरेंस. और अब इसको जब हम ऐड कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 55,864. तो ये हो गया माइनेंट, है ना. इसको क्या कहते हैं, आप माइनेंट कहते हैं इसको. अंडरस्टूड? तो अब आपको जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएंगे एडिशन से रिलेटेड, तो आप इनको इस तरीके से कर लेंगे, है ना. जो हम ऐड कर रहे हैं सबट्रहेंड, और जितना ऐड कर रहे हैं वो डिफरेंस, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कहलाता है माइनेंट. अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में देखिए, फर्स्ट, अ ज़ीरो एडेड टू अ नंबर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर. अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं, मान लीजिए 5 में आप 0 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि 0 की खुद अकेले कोई वैल्यू नहीं होती. जब वो किसी नंबर के साथ लगा रहता है तब वो उस नंबर की वैल्यू बढ़ाता है, मगर अकेले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना. तो अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को इफ़ेक्ट नहीं करता. वो जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं, हमें जो आंसर मिलेगा तो वो उतना का उतना रहेगा, है ना. मतलब कि हम 1,55,545 में 0 ऐड कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1,55,545 ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेकेंड, वन एडेड टू अ नंबर गिव्स द सक्सेसर ऑफ अ नंबर एज द सम. तो अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें सक्सेसर मिलता है, हमें उस नंबर का सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स होता है उसका एक नंबर ज़्यादा, है ना. किसी भी नंबर पे जब हम 1 नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाता है. जैसे कि आप 20 में 1 ऐड करोगे तो आपको 21 मिलेगा. 21 मतलब 20 का जो सक्सेसर है वो 21 है, 21 का सक्सेसर 22 है, 22 का सक्सेसर 23 है. इस तरीके से जब आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आपको उसका अगला सक्सेसर मिल जाता है, राइट. मतलब सक्सेसर आपको मिल जाएगा इसके थ्रू. अब जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 8,999 में प्लस किया है इन्होंने 1, तो 8,999 का जो सक्सेसर है वो है 9,000, तो हमको ये मिल गया. 3, द टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम रिमेन्स द सेम. अब यहाँ पर आप देखिए इस एग्जांपल में कि दो नंबर हैं वो अलग अलग तरीके से, जैसे पहले एग्जांपल में आप देखिए 55,545 में प्लस किया 32,435 को, है ना. और दूसरे वाले में आप देखिए कि जो दूसरा नंबर था, जो 32,435 था, इसको हम आप पहले लिख रहे हैं और 55,545 को हम लिख रहे हैं सेकंड नंबर पे. मतलब हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, जो पहले पहला था हमने उसको दूसरा नंबर कर दिया, जो दूसरा था उसको पहला नंबर कर दिया. लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो दोनों का सेम है, वो 87,980 दोनों को ऐड करने में आ रहा है. मतलब कि अगर एडिशन में हम इनका जो ऑर्डर है, पहला दूसरा जो है, हमको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, हम इनको किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे और ऐड करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम ही रहेगा, है ना. तो हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम माइनस में नहीं कर सकते. माइनस में अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो रिज़ल्ट आपका डिफरेंट आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आपको बड़ा नंबर पहले लिखना रहता है उसमें, है ना. तो इसमें यह है कि ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पे नहीं पड़ता, आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा चाहे आप किसी भी ऑर्डर में नंबर को लिखें. फोर्थ, इफ़ 3 और मोर नंबर्स आर एडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स देयर सम रिमेंस द सेम इन ऑल केसेस. अगर आप 3 से ज़्यादा जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये नंबर्स के, आप देखिए यहाँ पे 1,125 प्लस 2,505 प्लस 3,203. अब इसमें देखिए, इसमें भी इन्होंने ऑर्डर ही चेंज किया है लेकिन इसमें ग्रुप्स बना दिए हैं नंबर के.
जब इनको भी ऐड कर रहे हैं, है ना, ग्रुप्स को भी जब ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो भी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यही है कि ऑर्डर और ग्रुप्स में भी अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो हमको हर केसेस में जितने भी अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके के हम ग्रुप्स बनाकर भी अगर ऐड कर रहे हैं, नंबर अगर सेम है तो हमको जो आंसर मिलने वाला है वो भी सेम ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे 6833 इक्वल टू 6833, क्योंकि दोनों को, दोनों अलग अलग ग्रुप्स को, क्योंकि नंबर सेम थे इन ग्रुप्स में, तो हमको जो रिजल्ट मिला वो सेम ही मिला। अंडरस्टूड? बिल्कुल इस तरीके से आप भी कर लेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।